गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपकी जो सेकंड क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 7 रेखाएं ही रेखाएं करेंगे। रेखाएं होती क्या है आपको पता है ना? क्या होती है रेखाएं? जब आप पेन के साथ ऊपर से नीचे या ऐसे यहाँ से यहाँ या इसको थोड़ा सा इधर टेढ़ा करके पेन के साथ कुछ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हो, खींचते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेखा। ये क्या है? सारी रेखाएं। तो आज के इस चैप्टर में हम रेखाएं ही रेखाएं, जो आपका चैप्टर है, ये करेंगे। देखो बेटा, हम दो तीन तरह की लाइंस खींचते हैं। पहली लाइन होती है सीधी लाइन। सीधी लाइन कैसी होती है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन। सीधी लाइन आप ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, जैसे ये खींची हुई है, ये सीधी लाइन है। और दूसरे प्रकार की जो लाइन होती है वो होती है लेटी हुई या पड़ी हुई लाइन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लिपिंग लाइन। अब स्लिपिंग लाइन कैसे होती है? स्लिपिंग लाइन ऊपर से नीचे नहीं, ये आप दाएं से बाएं भी खींच सकते हो या बाएं से दाएं भी खींच सकते हो। ये इस प्रकार से आप देख रहे हो ना, आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे पड़ी हुई या लेटी हुई, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे स्लिपिंग लाइन। उसके बाद एक और प्रकार की लाइन हमारे पास है, तीसरे प्रकार की लाइन, उसको हम कहते हैं झुकी हुई, टेढ़ी या मुड़ी हुई लाइन। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे बेंडिंग लाइन। जब हम सीधी लाइन को थोड़ा सा इधर टेढ़ा कर देंगे ऐसे, या फिर इधर से इधर टेढ़ा कर देंगे, तो इसको हम बोलेंगे बेंडिंग लाइन। अब बच्चों, इन लाइंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जब हम हिंदी में या इंग्लिश में, हिंदी या इंग्लिश के अंदर जब लेटर्स लिखते हैं इंग्लिश के या हिंदी के, तो हमें लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम सीधे स्टैंडिंग लाइन यानी स्ट्रेट लाइन जो है उससे कौन कौन से लेटर बनते हैं वो देख लेते हैं एक बार। पी, पी में स्टैंडिंग लाइन, बी में भी स्टैंडिंग लाइन, फिर से स्टैंडिंग लाइन, डी में भी स्टैंडिंग लाइन, आई में भी स्टैंडिंग लाइन, और एक स्टैंडिंग लाइन आर में भी यूज होती है। तो ये पूरी की पूरी लाइन स्टैंडिंग लाइन वाले लेटर्स के साथ दिखाई गई है। उसके बाद सारे स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन, जैसे ई में एक स्टैंडिंग लाइन, तीन स्लिपिंग लाइन, एफ में एक स्टैंडिंग लाइन, दो स्लिपिंग लाइन, एच में दो स्टैंडिंग लाइन, एक स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, के में एक स्टैंडिंग और दो बेंडिंग। अब इनको हम स्लिपिंग नहीं कहेंगे क्योंकि के में जो दो लाइन है ये बेंडिंग लाइन है। उसके बाद एल में एक स्टैंडिंग, एक स्लिपिंग, एम में सारी लाइनें बेंडिंग हैं, ये इधर बेंड हो रही है, ये इधर बेंड हो रही है, ये इधर बेंड हो रही है, ये सारी बेंडिंग लाइन। एन में भी तीन लाइनें हैं, एक स्टैंडिंग लाइन है, एक बेंडिंग लाइन है, और फिर से स्टैंडिंग, यानी दो स्टैंडिंग एक बेंडिंग। ऐसे ही टी में एक स्लिपिंग, एक स्टैंडिंग, स्लिपिंग, स्टैंडिंग, वी में बेंडिंग, 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 ये इधर से नीचे की ओर झुक रही है, ये ऊपर से इस साइड में नीचे की ओर झुक करके मिल रही है। अब एक और जगह पर हम लाइंस का यूज़ करते हैं, जैसे आपको आकृतियाँ आती हैं तो आकृतियों में हम कई बार तिल्लियाँ दे देते हैं आपको, तो ये जैसे आपने आकृति पूरी करनी है, ये स्टैंडिंग लाइन में होगी, ये बेंडिंग लाइन में होगी, ये राइट साइड की ओर बेंड कर रही हैं यानी दाएं ओर झुक रही हैं, और ये बाएं ओर झुक रही हैं तो ये लेफ्ट साइड में बेंड कर रही हैं। और ये तिल्लियाँ कैसे रखी हुई हैं? ये स्लिपिंग में है, लेटी हुई हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने
लाइन को समझ लेना है कि लाइन का यूज क्या है, लाइन को हम क्यों यूज़ करते हैं, लाइन से हम लेटर्स बनाते हैं, लाइन से आकृतियों के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे पहले दो लाइन, दो तिलियाँ सीधी, फिर झुकी हुई, फिर ये इस तरीके से झुकी हुई और फिर इस तरीके से झुकी हुई, तो ये आकृतियाँ हो गई अब 1, 2, 3, 4, चार प्रकार की। तो सबसे पहले यहाँ आकर के आपने अगर क्वेश्चन मार्क लगा दे तो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी जो सबसे पहले है, क्योंकि यहाँ पर आगे ख़त्म हो गई ना। तो सबसे पहले आकृति किस रूप में है, कैसे खड़ी है तिलियाँ, ये स्टैंडिंग में है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या होना चाहिए, ऐसे शुरुआत से करेंगे ना। तो ये था आपका चैप्टर रेखाएं ही रेखाएं।